HTML फ्रेज टैग। HTML फ्रेज टैग क्या होता है? जनरली कुछ कुछ स्पेशल पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को कोई भी डेफिनेशन डिफाइन करना है या किसी ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को हम लोग को एम्फेसिस करना है, एम्फेसिस मतलब किसी को महत्व देते हुए हम लोग उसको करते हैं, या फिर किसी को हाईलाइट करना है, किसी को मार्क करना है, ठीक है। तो छोटे छोटे चीजें जो होती है जनरली हमारे टेक्स्ट को बहुत अच्छा बना देती है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे HTML फ्रेज टैग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, द HTML फ्रेज टैग्स आर स्पेशल पर्पस टैग्स विच डिफाइन द स्ट्रक्चरल मीनिंग ऑफ ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। किसी भी ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट के उसका हम लोग एक स्ट्रक्चरल मीनिंग हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। और सिमेंटिक्स ऑफ टेक्स्ट, सिमेंटिक्स मतलब क्या होता है कि अगर हम लोगों को कोई भी एक वर्ड है या फिर कोई भी एक टेक्स्ट है उसके बारे में कुछ बताना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फ्रेज टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रेज टैग ऑलरेडी यहाँ पे HTML में इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे एब्रीवेशन टैग, ठीक है, जिसको हम लोग ABBR से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एक टैग होता है ABBR, ठीक है, इसको बोलते हैं एब्रीवेशन, एब्रीवेशन टैग, ठीक है। जैसे कि किसी भी चीज का फुल फॉर्म होता है, जैसे मैं अगर HTML लिखता हूँ, ठीक है, HTML को फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो मैं ABBR के अंदर मैं लिखूंगा तो उसका अगर उसके ऊपर माउस लेके जाएंगे हम लोग तो उसका वो एब्रिवेशन बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक एक करके हम लोग रन करते जाते हैं, ठीक है, एक एक करके मैं यहाँ पे रन करते जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे टेक्स्ट एब्रिवेशन टैग, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं? दिस टैग इज यूज टू एब्रीविएट ए टेक्स्ट, टू एब्रीविएट ए टेक्स्ट राइट टेक्स्ट बिटवीन ABBR एंड क्लोजिंग ABBR, ठीक है। तो इसको हम लोग एक साथ रन करते हुए जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ABBR, ABBR, ठीक है। तो एब्रीवेशन हम लोग लिखे, ये हम लोग बॉडी टैग के अंदर में कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी टैग के अंदर में हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ABBR ओपन करेंगे और क्लोज कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे क्लोज कर दिया, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ठीक है। और मान के चलो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ, ठीक है, पैराग्राफ टैग के अंदर में मैं ABBR ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा एन, या फिर लिखते हैं ए, यहाँ पे ABBR में लिखेंगे HTML, ठीक है, HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट है यहाँ पे, यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट जो हम लोग पैराग्राफ टैग में लिखे हैं वो आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एब्रीवेशन किस में लगाया हूँ? HTML वर्ड में अप्लाई किया, मतलब ये वाला जो HTML वर्ड है अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ या फिर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हमें बताना चाहिए, ठीक है। कैसे बताएगा? तो मैं यहाँ पे ABBR में यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करूंगा, टाइटल, टाइटल इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूंगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये मैंने लिख दिया, इसको किया सेव और यहाँ पे कर दिया रिफ्रेश। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अभी डॉट 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 करके दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब ये डॉटेड अंडरलाइन में आ गया, और इसके ऊपर अगर माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पे इस टाइप का हम लोग को दिखेगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये हुआ एब्रीवेशन टैग, इसको हम लोग बोलेंगे एब्रीवेशन टैग, ठीक है, जो कि हम लोग अगर उसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो फुल फॉर्म हम लोग को बताता है। सेकंड यहाँ पे है मार्क टैग, द कंटेंट रिटर्न बिटवीन मार्क एंड क्लोजिंग मार्क टैग विल शो एज येलो मार्क ऑन द ब्राउजर, दिस टैग इज यूज टू हाईलाइट ए पर्टिकुलर टेक्स्ट, ठीक है। अगर किसी भी टेक्स्ट को हम लोग को हाईलाइट करना है,
तो हम लोग क्या करेंगे, मार्क टैग का यूज करेंगे। अब कैसे यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा, मैं इसी को लिखता हूँ। ठीक है, सेम यहाँ पे मैं ऐसे देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा, इस एब्रिविएशन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और HTML को क्या करूँगा, मैं हाईलाइट कर दूंगा। तो यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे मार्क। ठीक है, और यहाँ मार्क को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और इसको कर देंगे सेव, और यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो HTML जो है वो यहाँ पे हम लोग को हाईलाइट किया हुआ दिख रहा है, हाईलाइट किया हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। दिस टैग इज यूज टू डिस्प्ले द इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ द कंटेंट। द टेक्स्ट रिटन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग विल बी डिस्प्लेड एज इम्पोर्टेंट टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली कोई भी इम्पोर्टेंट टेक्स्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग अगर हम लोग किसी भी टेक्स्ट में हम लोग लगा रहे हैं उसको सिंपल सा बोल्ड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस टाइप का एक लाइन लिखेंगे, ठीक है, पैराग्राफ टैग के अंदर, इन HTML इट इज रिकमेंडेड टू यूज स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे लिखे लोअर केस, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग को क्लोज कर दिया, मतलब लोअर केस जो है हमारा वो कैसा आएगा, वो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है हमारा। ठीक है, तो वो कैसा आएगा, थोड़ा बोल्ड में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखो लोअर केस कैसा आया, बोल्ड में आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार का हम लोग कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही मैं एग्जाम्पल में आप लोग को दिखाता हूँ। ठीक है, अगर किसी को भी हम लोग को स्ट्रॉन्ग देना है, जैसे मैं सेम यही लाइन को मैं करता हूँ। ठीक है, मुझे HTML को क्या करना है, इम्पोर्टेंट देना है, मतलब इम्पोर्टेंस उसको देना है। तो मैं क्या करूँगा, उसको लिख दूंगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पे क्लोजिंग में स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, तो ये HTML जो है अब क्या हो जाएगा, एकदम बोल्ड में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड को, किसी भी टेक्स्ट को अगर हम लोग को इम्पोर्टेंस देना है तो वहां पे हम लोग स्ट्रॉन्ग लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर उसको डाल देंगे, एम्फेसाइज टेक्स्ट। दिस टैग इज यूज्ड टू एम्फेसाइज द टेक्स्ट एंड डिस्प्ले द टेक्स्ट इन इटैलिक फॉर्म। द टेक्स्ट रिटन बिटवीन ई एम एंड क्लोजिंग ई एम टैग विल इटैलिसाइज द टेक्स्ट। ठीक है, तो ई एम टैग के अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे वो क्या होगा, इटैलिक में आ जाएगा। ठीक है, मतलब टेढ़ा टेढ़ा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, HTML इज एन इजी टू लर्न लैंग्वेज। तो यहाँ इजी जो है वो क्या है, एम्फेसाइज है, मतलब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ई एम टैग के अंदर हम लोग इस इजी को लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और पेस्ट किया, और मैं ऐसे स्ट्रॉन्ग हटा के यहाँ पे क्या कर दूंगा, ई एम कर दूंगा। ठीक है, ई एम टैग लगा दूंगा, ई एम टैग लगाया, और ई एम को मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो HTML जो हमारा है वो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये टेढ़ा हो गया, मतलब इटैलिक में आ गया। ठीक है, तो अगर हम लोग को कोई भी टेक्स्ट अगर हम लोग को देना है, कि अगर मैं मान के चलो यहाँ पे मैं ई एम एक और लगा देता हूँ मार्कअप लैंग्वेज को, ई एम, तो ये भी क्या हो जाएगा, इटैलिक में आ जाएगा। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज भी क्या हो गया, इटैलिक में आ गया। तो किसी भी वर्ड को अगर हम लोग को एम्फेसाइज करना है, एम्फेसाइज करना मतलब महत्व देना है उसको, बहुत ज्यादा महत्व देना है, तो हम लोग यहाँ पे उसको इटैलिक में कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ई एम टैग का हम लोग यूज करते हैं।